हेलो फ्रेंड्स, चलो लर्न करते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग हेड की ड्राइंग सीखेंगे जो कि वॉइस के लिए है। जो वॉइस की टोपी होगी, ये देखिए मैंने चूड़ी लिया है गोल करने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, ढक्कन भी ले सकते हैं अगर आपसे गोल नहीं हो रहा है तो। मैंने जस्ट बताने के लिए चूड़ी का यूज़ किया है कि आप इससे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गोल कर दिया बीच में जो कि टोपी में अक्सर रहता है ये, और इसे मैंने निकाल दिया इस तरह से। देखिए इस इसे हम थोड़ा सा गोल ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे। जो हेट होगी बॉयज़ की, जनरली तो बॉय ही पहनते हैं इसे, मेल पर्सन जो होते हैं वो पहनते हैं वो। उसे देखिए छोटा रखना है और फिर इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये छोटा रहेगा। इस तरह से। ये इस तरह से हम बना देंगे, ये इस तरह से। और फिर एक दूसरी लाइन इसी के नीचे खींचेंगे और मार्जिन हमें सेम लेकर के चलना है। ये मार्जिन, ये इधर देखते जाना है कि सेम रहे। ये मेरा थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, से इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से इसमें मैं बस यूं ही इस तरह से डिजाइन बना दे रही हूं। आपका जो डिजाइन मन करे वो आप बना लीजिएगा। और एक स्टार भी मैं बना देती हूं यहाँ पर। जनरली हैट में स्टार या फिर कुछ ऐसा आगे की तरफ डिजाइन बना रहता है, तो यहाँ मैंने स्टार बना दिया। ये मैंने इसे सर्कल कर दिया गोल, और ये मैं इरेज कर दे रही हूँ इसके अंदर का जो लाइन है। अब मैं इसे कलर कर रही हूँ। ये कलर एक तरह से ब्राउन है, डार्क ब्राउन। बस यूं ही मैंने ये कलर ले लिया। मुझे लगा चलो यही लगा देती हूँ, इसलिए मैंने ये कलर ले लिया था ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन। इसी तरह यहाँ पर भी मैं वही यूज़ करूँगी कलर। ध्यान से लगाते जाना है, इधर उधर ना हो जाए। ये हो गया। अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ हैट के लिए। पूरे हैट में मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से साइड साइड लगाते हुए हमें अच्छे से लगाना है। साइड साइड से स्टार्ट करना है, फिर मैं स्टार को भी कवर कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से कवर करते हुए हमें कलर कर देना है। इस तरह पूरे में कलर कर देंगे। ओके, ब्लू कलर से। अब मैं लगाऊंगी ग्रीन कलर, और नीचे भी मैं ग्रीन कलर ही यूज करूंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह साइड साइड से ये मैं हल्का सा छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पेन से ब्लैक आउटलाइन बनाना है। वैसे तो कलर के ऊपर से भी मैं ब्लैक आउटलाइन दे सकती हूँ पेन से, पर फिर भी मैंने इस तरह छोड़ दिया है। और यहाँ भी मैं ग्रीन कलर से कलर कर दूंगी। अब मैं ग्लिटर वाला गोल्डन कलर डाल रही हूँ स्टार पर। भाई स्टार तो स्टार जैसा ही लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ग्लिटर वाला कलर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, सब में पहले मैं, हाँ
अब मैं इसमें सब में आउटलाइन बना दूंगी। ओके, पूरे में आउटलाइन इस तरह से बना देना है। देखिए क्या होता है कि वाटर कलर के ऊपर जो है ना हमारा पेन से आउटलाइन हो सकता है, पर अगर हम मोम के कलर यानी कि वैक्स कलर से जब हम करते हैं तो ऊपर से हमारा ठीक से नहीं आ पाता है। इसलिए वाटर कलर के ऊपर आप दे सकते हैं आउटलाइन पेन से, लेकिन अगर आप वैक्स कलर से कर रहे हैं तो प्लीज़ आप आउटलाइन पहले ही बना लें, उसके बाद में फिर आप कलर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये टोपी हमारी बन चुकी है, कलर पूरे में हो चुका है। तो कैसी लगी देखने में, कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो लर्न करते हो को सब्सक्राइब लाइक सब फ्री है। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।